नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सारे दुखों को दूर कर उनकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसे में हम आपको रीवा के महामृत्युंजय मंदिर लेकर चलते हैं, जहाँ भगवान गजानन की विशालकाय प्रतिमा है। तो क्या है इस मंदिर की मान्यता और कैसा है भगवान गजानन का स्वरूप, आइए जानते हैं। भगवान गणेश का ये मंदिर रीवा के किले में स्थित महामृत्युंजय मंदिर परिसर में है। यहाँ भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय नाथ स्वरूप में स्थापित हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी किला परिसर में भगवान गजानन की भी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जिसकी लंबाई करीब 9 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। गणेश महोत्सव के दौरान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है और भक्त बप्पा से मनोकामना मांगते हैं। महामृत्युंजय मंदिर में विशाल गजानन 9 फीट लंबी है भगवान गणेश की प्रतिमा। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु। मंदिर में पूरी होती है भक्तों की मनोकामना। महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव ने साल 1940 में गणपति की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना महामृत्युंजय मंदिर परिसर में कराई थी। ये प्रतिमा 200 साल से भी ज्यादा साल पुरानी है। इस प्रतिमा के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेशोत्सव में दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से भगवान गणेश सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरा मानना है कि ये जो मंदिर है, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पे हम लोगों को दर्शन करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और यहाँ पे जो भी हमने आज तक मांगा है भगवान विघ्नहर्ता गणेश के चरणों में, जो भी हमने मांगा है वो आज तक हमारी लगभग सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और काफ़ी समय भी हो गया है। जैसे पुराने हमारे मेरे जब भाई मेरा बीमार था और उसको आर्थराइटिस की काफ़ी दिक्कत थी, उसको नागपुर में एडमिट करना पड़ा था। और यहाँ पर जब हमने मन्नत मांगी थी कि विघ्नहर्ता गणेश से कि आप उसका कष्ट दूर करिए और हम यहाँ पे कथा कराएंगे, तो लगभग उसके 15-20 दिन या एक महीने बाद उसकी हालत में सुधार होने लगा। और यहाँ पे हम लोगों को तब से श्रद्धा है, हम लोग यहाँ साल भर में एक बार कथा कराते रहते हैं। इस मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा काफी प्रभावशील है और इसका प्रभाव पूरे विंध्य क्षेत्र में है। भगवान गणेश की इस प्रतिमा की खास बात यह है कि इसकी सूंड दाहिने तरफ है और यही वजह है कि भक्तों के लिए इस स्थान का अलग महत्व है। महामृत्युंजय मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी स्थापित है, इस कारण यहाँ सावन महीने में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। और ये गणपति जी की खासियत है कि हर गणपति की आप मूर्ति सूर्य जो है उत्तराभिमुख रहता है, ये दक्षिणाभिमुख है, इसलिए इनका नाम है महागणपति और सिद्धिविनायक। दो गणपति होते हैं, ये सिद्धिविनायक नहीं महा। इनकी जो फाइल है, पहले बहुत छोटी सी मूर्ति थी, इनकी जब ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगी इनकी प्रतिष्ठा करवाई कि प्रभु अपना बढ़िया। ये कहते हैं कि गुर्गी के जंगल में खुदाई में मूर्ति मिली छोटी सी, कि यहाँ पे महाराज साहब अपने कमरे में रखे, वहाँ पे मूर्ति बढ़ने लगी। जब मूर्ति जब बढ़ने लगी तो उनको स्वप्न दिए, स्वप्न में उन्होंने बताया गया कि वहाँ मृत्युंजय में प्रतिष्ठा करवा दे, यहाँ पे जब रखवा दी तो अपनी मूर्ति बढ़ना पाई। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जो अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भाव और सच्चे मन से गौरी पुत्र गणेश से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी सभी इच्छा को पूर्ण करते हैं। अनादि टीवी के लिए रीवा से आशीष सिंह परिहार की रिपोर्ट।